अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार पंकज मिश्रा को सोमवार को केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान सीआईपी के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया गया। सीआईपी निदेशक डॉ वासुदेव दास ने बताया कि जांच में पता चला है कि वह अफीम युक्त दवा लेने के आदि थे। उन्हें पेनक्रियाटिस है। दर्द होने पर वह 2 वर्ष से अधिक समय से इस तरह की दवा ले रहे थे। पंकज को इसकी लत लग चुकी थी। अभी 10 दिनों तक नशा मुक्ति केंद्र में रखकर उनका इलाज किया जाएगा। इसके बाद चिकित्सीय सलाह पर इलाज चलता रहेगा। सीआईपी की ओपीडी में करीब 3 घंटे तक डॉक्टरों ने पंकज की जांच और काउंसलिंग की। इसके बाद उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया। मालूम हो कि पंकज मिश्रा बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि है। पंकज मिश्रा को बीते 19 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की पूछताछ के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर ईडी के अधिकारी पहले उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर गए। वहां प्राथमिक इलाज के बाद 4 सदस्यीय डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स में रेफर कर दिया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।